छत्तीसगढ़ में अब तक गांजा जैसे नशे का ही चलन सुनाई पड़ता था, लेकिन अब हीरोइन और बाकी महंगे नशे भी सुनाई देंगे। तो जब हमने ट्रैप किया तो वो 20 ग्राम करीब उसके पास चिट्टा मिला। नशे की सप्लाई पंजाब से हो रही है और ऑनलाइन सिस्टम का भी बड़े तेजी से उपयोग किया जा रहा है। ई कॉम कुरियर के माध्यम से इंडिया मार्ट से वो लोग ऑर्डर करके मंगाते हैं। दुर्ग पुलिस ने दो बड़े तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है, एक का ताल्लुक पंजाब से है तो दूसरे का ताल्लुक बिहार से है। दो अकाउंट मिले, एक जो कोरबा जिले में संचालित हो रहा था और एक पटना में जो रविशंकर प्रसाद के पास अकाउंट में पैसे जा रहे थे। आने वाले दिनों में नशे पर और बड़ा प्रहार या बड़ी कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में अभी तक गांजा जैसे नशीले पदार्थों का ही उपयोग ज़्यादा किया जा रहा था या ज़्यादा चलन में था, लेकिन पिछले कुछ समय से महंगे नशे जो है युवा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हीरोइन और कुछ नशीली दवाइयाँ। नशे के बगैर लगातार बढ़ते प्रयोग से अपराधों में भी इजाफा हो रहा है और इसी मामले को लेकर अब पुलिस जो है कुछ सख्त होती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा जिन्होंने नशे के बड़े सौदागरों तक पुलिस को पहुंचा दिया। हम आपको दो मामलों से अवगत कराएंगे। पहला मामला पंजाब से जुड़ा हुआ है और दूसरा मामला बिहार से जुड़ा हुआ है। पहला मामला क्या है पहले हम वो बताते हैं। पुलिस ने पिछले कुछ दिनों पहले हीरोइन और जिसको चट्टा भी बोलते हैं उसके साथ कुछ युवकों को गिरफ्तार किया था। इन पांचों से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि भिलाई के एक शख्स है जिसका नाम शेरा है, यानी शेर सिंह, वो जो है उनको नशीले पदार्थ हीरोइन की सप्लाई कर रहा है। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस के एक्शन में आने के पहले ही शेरा भाग गया। भाग करके वो पहुंचता है पंजाब। पुलिस को जब ये पता चलता है कि शेरा नाम का शख्स भिलाई दुर्ग और राजनंद गांव में हीरोइन सप्लाई कर रहा है तो पुलिस जो है उसकी छानबीन शुरू करती है। इसके लिए साइबर सेल को लगाया जाता है, एंटी क्राइम यूनिट को लगाया जाता है और यहाँ एक वैशाली नगर थाना है उसकी पुलिस को भी उसके पीछे लगा दिया जाता है। पुलिस को लोकेशन पता चलती है उसकी पंजाब के अमृतसर में और पुलिस जो है वहाँ जा करके शेरा को दबोच लेती है। पुलिस जब वहाँ उससे पूछताछ करती है तो उसके पास नशीले पदार्थ कहाँ से आ रहे हैं तो वो दो और लोगों का नाम लेता है जो कि पंजाब के ही रहने वाले हैं। पुलिस उन दो लोगों को भी उठा लेती है। अब इन तीनों लोगों से करीब 55 ग्राम नशीला पदार्थ जिसको हीरोइन बोलते हैं वो जब्त की जाती है और पुलिस जो है तीन बड़े लोगों को पकड़ने में सफल हो जाती है जो कि राजनांदगांव, भिलाई और दुर्ग में युवाओं को नशीले पदार्थ सप्लाई कर रहे थे। अब सुनवाते हैं कि पुलिस ने किस तरीके से पंजाब से युवक को गिरफ्तार किया, कैसे पकड़ा और क्या पूरा मामला है। एसपी जो कि दुर्ग के एसपी हैं जितेंद्र शुक्ला वो बता रहे हैं। सूखे नशे पे जो कार्रवाइयाँ पुलिस की तरफ से पिछले महीने दो केसेस में हमने किए थे, एक चिट्टे को लेकर, तो उसमें ही उसकी जो आगे की कड़ी थी जो शासन की तरफ से और सरकार से स्पष्ट निर्देश है कि इन टू इंड इन्वेस्टिगेशन में जाना है, तो उसमें यहाँ लोकल जो डिस्ट्रीब्यूटर थे या लोकल सप्लायर थे उनको पकड़ने के बाद जो उनसे पूछताछ में यहाँ का सप्लायर और जो मेन था शेरा उसके बारे में और शेरा के थ्रू जो पंजाब में जहाँ से चिट्टा आता था उसको टारगेट करके पुलिस कार्रवाई आगे बढ़ा रही थी, जिसमें शेरा की लोकेशन पंजाब मिली। वहाँ पे जाके उसको जब हमने ट्रैप किया तो वो 20 ग्राम करीब उसके पास चिट्टा मिला और जब उसको पकड़ के उससे पूछताछ वहाँ पे किया गया कि वो कहाँ से लाता है तो उसने वहाँ पे दो और अन्य लोगों के नाम लवप्रीत और जोधा के नाम बताए, जिसने जोधा सिंह के नाम बताए, जहाँ से उन दोनों के पास से भी करीब 35-36 ग्राम के आसपास और चिट्टा मिला और दोनों मिला के करीब 65 ग्राम के आसपास वहाँ से चिट्टा पकड़े और उसके थ्रू भी हम वहाँ पे आगे और प्रयास कर रहे थे कि अन्य कौन लोग हैं इस पूरी चेन में जो पंजाब में रह के एक्टिव हैं। तो उस पर एक और नाम पप्पू करके आया था, परंतु उसके यहाँ हमने रेड डाली तो वो वहाँ पे पकड़ में नहीं आ पाया। तो इस प्रकार कम से कम छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से बाहर जो लोग छत्तीसगढ़ में चिट्टा की सप्लाई कर रहे थे उनके खिलाफ एक प्रभावी कार्रवाई दुर्ग पुलिस द्वारा की गई है और हमारा प्रयास रहेगा कि हम मुख्य आरोपी जो
शायद सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, अन्य स्टेट्स में भी मतलब चिट्टा की सप्लाई कर रहा है, उसको भी हम नज़र बना के रखते हैं और उसको भी जल्दी गिरफ्तार करेंगे। दूसरा मामला बिहार से जुड़ा हुआ है, इसमें भी जो है पुलिस ने जो कुछ लोगों को पकड़ा था उनसे ही जो सूचना मिलती उसके आधार पर एक गिरफ्तारी होती है। पुलिस जो है कुछ दिनों पूर्व दो लोगों को गिरफ्तार करती है और जब उनसे पूछताछ की जाती है कि भाई वो उनके पास नशीली दवाइयाँ जो अलग अलग जो प्रतिबंधित हैं उनका उनके पास सप्लाई कहाँ से आ रही है, वो कहाँ से ऐसी दवाइयाँ ले करके दूसरे लोगों को सप्लाई कर रहे हैं, जब पूछताछ होती है तो कोरबा के दो युवकों का नाम आता है और जब इन दो युवकों का नाम आता है तो पुलिस उनको दबोचती है। पता चलता है कि ये दोनों युवक जो है ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उन दोनों युवकों को और उसके बाद इनके पास अमेजोन जो कि डिलीवरी है उससे इनके पास सप्लाई आती है। जब कोरबा के इन दो युवकों को पकड़ा जाता है तो ये लोग जो है बिहार के एक शख्स का नाम लेते हैं कि वहाँ से जो है ये सप्लाई लेते हैं और ये सप्लाई लेने के लिए फ़ोन पे के ज़रिए उसको पेमेंट किया जाता है। पुलिस बिहार जाती है और आरोपी को पकड़ के लाती है और पकड़ने के बाद एक नया रैकेट ये भी पता चलता है, यानी कि दो रैकेट पता चलते हैं। बिहार से युवक को कैसे गिरफ्तार किया गया इसके बारे में भी दुर्ग के एसपी जितेंद्र शुक्ला ने बताया, वो भी आप सुनिए। पिछले महीने करीब 16 सितंबर के आसपास यहाँ पे लोकल दो सप्लायर हार्दिक भोई और दिलीप साहू जो थे उनको पकड़ा गया था अल्प्राजोलम और अन्य जो नशीली टेबलेट्स होती हैं उनके साथ। उनके थ्रू जो आगे की चेन थी जिसमें उन्होंने बताया था कि ई कॉम कुरियर के माध्यम से इंडिया मार्ट से वो लोग ऑर्डर करके मंगाते हैं तो जिस अकाउंट में वो पैसा जमा करते हैं और जिस व्हाट्सएप कॉल पे उनसे बातचीत हो रही थी उसके वो फॉलो करते हुए हमने वो अकाउंट जिसमें पैसे डाले जाते हैं जो अंतिम जो लाभार्थी थे उनके बारे में पता लगाया तो दो अकाउंट मिले, एक जो कोरबा जिले में संचालित हो रहा था अकाउंट भुवनेश्वर साहू का था और एक पटना में जो रविशंकर प्रसाद के पास अकाउंट में पैसे जा रहे थे। उन दोनों को हमने जाके वहाँ पे पकड़ा भुवनेश्वर की निशानदेही पे। भुवनेश्वर ने बताया कि मेरा अकाउंट जो है वो दीपक साहू करके है कोरबा का ही एक अन्य व्यक्ति जो कोरबा में नशीली टेबलेट्स की सप्लाई में पहले भी जेल जा चुका है उसके पास ऑपरेट करता है और सारा वो उसी में अकाउंट पे पैसे डाल के वो भी दवाइयाँ मंगाता है। तो दीपक साहू को भी पकड़े और पटना से रविशंकर प्रसाद को भी पकड़े हैं। इसमें एक अन्य नाम निकल के ज़रूर आया है किशन कुमार जिसके नाम से पूरा वो चलता है लेकिन उससे किसी ने देखा नहीं है तो अभी किशन कुमार को भी हम मतलब अपने मुख्य आरोपी में रखे हुए हैं और उसके खिलाफ भी लगे हुए हैं। इसमें अकाउंट फ्रीज हुआ है और जिस अकाउंट में पैसे डाले जाते थे और ऑर्डर करके दवाएं मंगाई जाती थी उसमें करीब 2,30,000 रुपये अकाउंट में है तो उसको हमने फ्रीज किया हुआ है। तो ये थे दो मामले जिनमें पुलिस को सफलता हासिल हुई है, एक शख्स को उन्होंने पंजाब से पकड़ा है और एक शख्स को बिहार से पकड़ा है जो कि दुर्ग जिले में राजनांदगांव में नशीले पदार्थों की सप्लाई कर रहे थे। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।